नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार, आप देख रहे हैं HN24 न्यूज। फिलहाल हिसार के रेलवे रोड के ऊपर गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है, पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अनिल विज जी की गाड़ी 00009 यहाँ पर मर्सिडीज जो है गाड़ी आई हुई है। अक्सर अनिल विज जी जो है अंबाला में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अंबाला उनका गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आज हिसार में पहुंचे हैं। लगभग 250 किलोमीटर दूर हिसार में, बहुत कम इधर आते हैं। तो चलिए जायजा लेते हैं अंदर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, और अगर हो सका तो बातचीत भी जरूर उनसे करेंगे। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे चलने की तैयारी है अभी, और बातचीत करेंगे अनिल विज साहब से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिल विज जी पहुँचे हुए हैं होम्योपैथिक की जो ये क्लिनिक है इसका उद्घाटन करने, और काफ़ी लोग जो अनिल विज से प्रभावित हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे एक मुलाकात करने या अपनी बात रखने। तो चलिए बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज श्री अनिल विज जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, गृह मंत्री हरियाणा। हाँ जी। किस उपलक्ष्य में पहुँचे हुए हैं और कुछ बताएं उनके बारे में। ये डॉक्टर बिदानी जो बहुत पुराने वर्कर हैं, इनके संगठन से 50 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इनको इनवाइट किया है। होम्योपैथी हॉस्पिटल इनका बहुत पुराना चल रहा है, ये नई परिसर में आ गए हैं। अच्छा, अक्सर जो है अनिल विज जी अम्बाला में सक्रिय ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो अम्बाला विधानसभा क्षेत्र से, हिसार बहुत कम आते हैं, तो आज वो आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? लोग भी बहुत संख्या में पहुँचे हुए हैं अपनी बात रखने। बीइंग मंत्री होते हुए ये हर जगह दौरा करते हैं, और सरप्राइज चेकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो क्या लग रहा है कि जैसे अनिल विज जी आए हुए हैं, और मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग जो है पीछे से धरना करे हुए थे CMO ऑफिस के बाहर, जो NHM के कर्मचारी थे, तो क्या वो अपनी मांग रखेंगे अनिल विज जी के सामने? क्या लगता है आपको? जिन्होंने धरना करना वो धरना करे, कोई आ जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आए तभी धरना देंगे। उनकी आदत है धरना देना, और संतुष्ट कभी नहीं होते, एम्प्लॉयज कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं, शुरू से लेके अब तक का रिकॉर्ड है। मैं देख पा रहा हूँ एक भाई साहब एक लेटर दिखा रहे हैं, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। जैसे उनको खबर मिली कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो एक विषय लेके आए हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2019 Category 9 में ऑपरेशन थिएटर के असिस्टेंट थे, उनके ज्वाइनिंग का नंबर है। सर, आप कहाँ से हैं और क्या मांग लेकर के आए हैं? सर, मैं गांव सुरजाखेड़ा से हूँ। हमारी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग वह है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दवाए, 2 महीने मैट्रिक बायोमेट्रिक को भी हो गए हैं सर, अभी तक स्वास्थ्य विभाग से कोई भी अधिसूचना नहीं है, और हमारा 4 महीने से ऊपर रिजल्ट आया था फाइनल। तो अब अनिल विज से मिलेंगे आप सर से? हाँ सर, अनिल विज से मिलेंगे, और हम डिमांगे रखेंगे हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करवाई जाए। तो देख सकते हैं जो अपनी मांगे रखने के लिए आए हुए थे, जो CMO ऑफिस के बाहर जिन्होंने धरना दिया था, वो भी लोग पहुंचे हुए हैं। जैसे उनको खबर मिली कि श्री अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी अंदर जो है होम्योपैथिक क्लिनिक आज उद्घाटन है, तो विज साहब अंदर मौजूद हैं, तो कोशिश करेंगे अगर हमारी बात हो पाई तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और दिखाएंगे आपको यहाँ का क्या हालचाल चल रहा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, देखते हैं क्या कुछ बात रखने के लिए पहुँचे हुए हैं। कौन बोलेगा जी आप में से? नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है? किरण नाम है मेरा। MPHW से सिलेक्टेड कैंडिडेट हम। HSS। कौन से बैच में सिलेक्ट हुए थे आप? सिलेक्टेड अभी 15/2019 में एडवर्टाइजमेंट निकली थी HSSC की, उसमें हमारा सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। सो अभी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है? अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली सर, 2019 में वैकेंसी निकली थी, लेकिन 3 साल बीत गए, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं। एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम हमारा जुलाई में हुआ, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो चुका है। बायोमेट्रिक भी हो चुकी है हमारा, 18-19 तारीख को बायोमेट्रिक हो चुकी है, स्टेशन अलर्ट वगैरह भी हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन वो नहीं डाल रहे हमारे अपॉइंटमेंट लेटर। रिजल्ट आए हुए भी 5 महीने हो गए, अभी तक ज्वाइनिंग है, तो अमित साहब से मिल करके बात रखेंगे आप? हाँ जी, अनिल विज सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। सर से हम 2 महीने पहले भी मिले अम्बाला जाके, उस टाइम भी भाई प्रोसेस चल रहा है, हर रोज ये होता है, अभी 1 हफ्ते में हो जाएगी, आज HSC से लेटर नहीं आया, आज वहाँ से नहीं आया, आगे से आगे डेट दी जा रही है। और ये सारे है ना लगभग मैरिड और एक मैच्योर कैंडिडेट हैं, स्कूल खुल चुके हैं, इनके बच्चों का दाखिला भी नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले, भाई कहाँ कल को ट्रांसफर हो जाए, और है कहाँ स्टेशन मिलेगा। क्या लग रहा है अभी साहब से मिलने के बाद, क्या लगता है फटाफट इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? हमें लग रहा है अभी ये अपना जो वादा करेंगे वो निभाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की डेट में ही शायद इनका सारा प्रोसीजर तैयार कर रहे हैं, तो हो सकता है शाम को ही हमें खुशखबरी मिल जाए, आपको लड्डू खिला दें हम। हमें ये जी धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर 2021 में और सिलेक्टेड हैं सभी के सभी। रिजल्ट आए हुए 5 महीने हो गए लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अलग अलग अपनी समस्याओं को लेकर के, ग्रीवेंसीज को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के कि विद साहब आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। तो जुड़े रहिए HN24 के साथ, दिखाएंगे आपको आगे की अपडेट। धन्यवाद। श्री अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा पहुंचे हुए हैं हिसार में और साथ में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी भी नज़र आ रहे हैं और जो है एक क्लिनिक का उद्घाटन था सो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो है लोग यहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको पता ही है अनिल विज जी मशहूर हैं अपने अंदाज से, उनको गब्बर भी बोला जाता है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि फैसले लेने में बहुत एक्सपर्ट हैं, धड़ाधड़ फैसले लेते हैं और हर चीज़ जो उनके अंदाज जो है उनका निराला है। तो आप देख सकते हैं उनको जो है एक घोड़ा दे करके जो है सम्मानित किया गया है, लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। साथ में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी नज़र आ रहे हैं और जो है अनिल विज जी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बहुत राजनीति के पुरोधा खिलाड़ी रहे हैं और अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक हैं। और फिलहाल आपको नज़र आ रहे होंगे गौतम सरदाना हिसार के मेयर साहब भी उनके साथ मौजूद हैं और अभी तक कमल गुप्ता जी नज़र नहीं आए हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हिसार में पहुंचे हुए हैं रेलवे रोड पर एक होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन करने और अब वो जा रहे हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आराम से सिक्योरिटी के घेरे में नज़र आ रहे हैं आपको स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी और उद्घाटन करने आए थे और अब वापसी जो है कर रहे हैं। सो उनके साथ उनके जो कमांडोज हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखिए लोगों की भीड़ ने उनको घेर लिया है और साथ में सिक्योरिटी है, पुलिस है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं सो जाहिर सी बात है हम कोशिश करेंगे एक बाइट मिल जाए इंटरव्यू लेने की, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं तमाम पत्रकार हैं, पुलिस हैं, सिक्योरिटी है। सो ऐसे में हालात इस प्रकार के बने हुए हैं कि लोगों ने घेर रखा है। मेयर साहब आपको नज़र आ रहे हैं और जो है अब चलने की उनकी तैयारी है। सो जो मुख्य कारण था आज हिसार पहुंचने का वो था कि जो क्लिनिक है उसका उद्घाटन करने आए थे और अब जो लोग अपने मांग पत्र लेकर पहुंचे हुए हैं अलग अलग विषयों पर, किसी को अपनी नौकरी के लिए बात करनी थी, किसी को किसी चीज़ के लिए जो स्वास्थ्य महकमों से जुड़ी जो भी चीज़ें थी उनको बात करने के लिए लोगों ने उनको घेरा हुआ है और साथ में पुलिस सिक्योरिटी उनके गार्ड्स जो हैं उन्होंने घेरा हुआ है। सो ऐसे में ऐसा ही होता है जब कोई बहुत बड़ा मंत्री पहुंचता है किसी शहर में तो ऐसे हालात बनना लाजमी है। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए HN24 न्यूज़ और अब विज साहब जाने की तैयारी है और क्योंकि कोरोना से संक्रमित हो गए थे और वापस से उन्होंने बैक किया है अपने आप को, फिर से रिकवर किया। सो विज साहब बैठ गए अपनी गाड़ी में और लोगों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर उनसे मिलने वालों की और साथ में कुछ फरियादी पहुँचे हैं जो अलग अलग महकमों से थे, स्वास्थ्य महकमों से थे, जो अपनी बातें रखने। सो आप देख सकते हैं SP साहब लोकेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सो फिलहाल अनिल विज जी निकल गए हैं वापस अंबाला के लिए, आप देख सकते हैं गाड़ी निकलनी शुरू हो गई है और SP साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे मौके पर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं और ये होता है किसी भी मंत्री का शहर में आना, इस प्रकार से सिक्योरिटी ने उनको अपने साथ घेरा हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं अनिल विज जी का काफिला, उनका कॉन्वॉय निकल चुका है रेलवे रोड की तरफ से और साथ में डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा जी भी यहाँ पर आए हुए थे, वो भी निकल चुके हैं और कमल गुप्ता जी दिखाई नहीं दिए। तो इस प्रकार से रहा हिसार में अनिल विज जी का आना। देखते रहिए HN24 न्यूज़, मैं मोहित कुमार आपसे लेता हूँ इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।